खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश में क्या कुछ चल रहा है। महंगी प्याज को लेकर विपक्षी सांसदों ने आज फिर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में सस्ता प्याज बेच रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हमला, मोदी का नाम लेकर दांत से उंगली काटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्याज की बढ़ती हुई कीमतों के विरोध में आरजेडी नेताओं ने गले में प्याज की माला पहनकर किया विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु के मदुरई में दूसरी बार बाढ़ को लेकर अलर्ट हुआ जारी, वैगई डैम के भर जाने के इससे बाढ़ का खतरा। हिमाचल के कुल्लू में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद मनाली लेह हाईवे पर बर्फ हटाने का काम शुरू हो गया है। पिछले दिनों से हो रही लगातार बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद हो गए हैं। श्रीनगर में शून्य से नीचे पहुंचा तापमान, दोपहर में भी सर्दी की वजह से छा रही है धुंध। पंजाब के लुधियाना में हैदराबाद एनकाउंटर के बाद स्कूली छात्राओं का जश्न, गिद्दा डांस कर खुशियां मनाई। ओडिशा के पुरी में रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने हैदराबाद पुलिस को सलाम करते हुए बनाया आर्ट। सुदर्शन ने 3 टन रेत से इस खास मूर्ति को बनाया। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को महिला सुरक्षा को लेकर लिखा पत्र, कहा कि महिला उत्पीड़न मामले में 0 FIR दर्ज करने के कानून का कड़ाई से पालन हो। द्वीप खरीद कर नया देश बनाने वाले देव के आरोपी नित्यानंद का पासपोर्ट वरद, नित्यानंद पर कस सकता है शिकंजा। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिंदू महासभा की पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी, फैसले में कुछ टिप्पणियों को हटाने की मांग की।